स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपकमिंग फोन्स इन दिसंबर, मतलब दिसंबर के महीने में कौन सी कंपनी की तरफ से कौन से फोन्स आने वाले हैं उनके बारे में कुछ बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ मैं इन फोन की कुछ प्राइजेस भी लिख करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कुछ कंफर्म लॉन्चेस के बारे में। सबसे पहले Vivo की तरफ से Vivo V20 Pro, ये जो फोन है ये लॉन्च हो सकता है, जो कि Qualcomm Snapdragon 765G इस प्रोसेसर पे आता है। लेकिन सबसे खास बात है दोस्तों, इस फोन के अंदर 44 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है, साथ ही साथ 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप आता है, और 4000 mAh के बैटरी बैकअप के साथ ही 33 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आता है, और इस फोन में भी एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। और इन सारी चीजों से भी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों कि 91 मोबाइल्स की रिसेंटली लीक की माने हम लोग तो इस फोन की प्राइस हो सकते हैं अंडर 30,000, मतलब वन प्लस नॉट को कम्पीट करने के लिए ये फोन जो है ये वीवो की तरफ से आ सकता है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा वीवो की तरफ से आने वाला V20 Pro ये जो फोन है ये वन प्लस नॉट को टक्कर दे पाता है या फिर नहीं, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली जो कंपनी है दोस्तों वो है मोटोरोला। मोटोरोला की तरफ से बहुत सारे फोन्स अभी तक लॉन्च नहीं हुए, लेकिन दिवाली के बाद मतलब दिसंबर के महीने में ऐसे कहा जा रहा है मोटोरोला जो है वह चीपेस्ट 5G फोन ला सकता है, जिसका नाम हो सकता है मोटोरोला G5G। ऐसे नाम से एक फोन आ सकता है जो कि अंडर 20,000 लॉन्च हो सकता है, और ये जो फोन है Qualcomm Snapdragon 750G इस नए प्रोसेसर पर आ सकता है, साथ ही साथ 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर और एमोलेड डिस्प्ले, 4500 mAh की बैटरी बैकअप का सपोर्ट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस फोन के अंदर भी देखने को मिल सकती है जो कि सिर्फ अंडर 20,000 लॉन्च हो सकता है। देखना इंटरेस्टिंग होगा मोटोरोला की तरफ से ये जो फोन है ये 20,000 के अराउंड लॉन्च होता है या फिर उससे ज़्यादा प्राइस पे लॉन्च होता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और अब बात करते हैं अगली कंपनी की जो कि है रियलमी। रियलमी की तरफ से रियलमी X7 सीरीज जो है ये लॉन्च हो सकती है। इस सीरीज में दो फोन्स आ सकते हैं, रियलमी X7 और X7 Pro। ये जो दोनों फोन्स हैं ये रियलमी की तरफ से दिसंबर के एंड तक लॉन्च हो सकते हैं। MediaTek Dimensity 800U प्रोसेसर पे आते हैं, AMOLED डिस्प्ले आता है, साथ ही साथ 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप और 65 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। और ऐसे कहा जा रहा है ये जो दोनों फोन से मतलब जो हायर वेरिएंट है वो अंडर 30,000 और लोअर वेरिएंट अंडर 25,000 लॉन्च हो सकता है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा Realme की तरफ से ये जो दोनों फोन से ये अंडर 30,000 लॉन्च होते हैं या फिर नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और अब बात करते हैं Realme के कुछ दूसरे फोन्स के बारे में जिनके बारे में लीक्स आ रहे हैं, जो कि अलग अलग सर्टिफिकेशन साइट मतलब इंडियन बेयर सर्टिफिकेशन साइट है उसके ऊपर लिस्ट हो रहे हैं। ऐसे कहा जा रहा है Realme 8 सीरीज का एक फोन आ सकता है दिसंबर के एंड तक, और Realme X3 सीरीज इस नाम से भी एक फोन आ सकता है, मतलब इन दोनों में से एक फोन जो है वो आ सकता है Realme की तरफ से। इस फोन के स्पेसिफिकेशन अभी तक कुछ भी लीक्स नहीं हुए, देखना इंटरेस्टिंग होगा Realme की तरफ से क्या सच में Realme 8 और Realme X60 इन दोनों में से कोई फोन दिसंबर के महीने में आता है या फिर जनवरी में, यह देखना इंटरेस्टिंग होगा। और अब बात करते हैं Realme के कंपिटेटिव ब्रांड Redmi की। Redmi की तरफ से 26 नवंबर को Redmi 9 सीरीज के फोन जो है वो चाइना के अंदर लॉन्च होने वाले, और ऐसे कहा जा रहा है कि Realme X7 सीरीज को कम्पीट करने के लिए Redmi जो है वो इस सीरीज को इंडिया के अंदर लॉन्च कर सकता है, क्योंकि इस सीरीज में भी Dimensity के प्रोसेसर आते हैं 800U, 720U और साथ ही साथ 1000 प्लस ऐसे प्रोसेसर आने वाले, और ये जो सीरीज है इसके अंदर भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है हमें। Redmi की तरफ से हमें 55 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ 6000 mAh के बैटरी बैकअप का सपोर्ट देखने को भी मिल सकता है। तो देखना होगा Redmi 9 सीरीज जो है ये दिसंबर के कौन सी तारीख को लॉन्च होते हैं, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अब बात करते हैं Oppo की। Oppo की तरफ से Oppo Reno 5 सीरीज है, ये सीरीज जो है इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकती है दिसंबर के महीने के अंदर, और इस सीरीज के जो फोन है वो अलग अलग प्रोसेसर पे लॉन्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब तीन फोन दिखाई दे रहे हैं इस सीरीज में, और तीनों ही फोन अलग अलग प्रोसेसर पे दिखाई दे रहे हैं। एक फोन दिखाई दे रहा है Qualcomm Snapdragon 765G, एक फोन दिखाई दे रहा है Qualcomm Snapdragon 865, और तीसरा जो फोन है वो Dimensity 1000 प्रोसेसर पे लॉन्च होते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये जो तीनों फोन से अलग अलग सर्टिफिकेशन साइट पे लिस्ट हो रहे हैं और इसी प्रोसेसर के साथ लिस्ट हो रहे हैं। तो शायद ये तीनों में से एक या से दो फोन जो है वो लॉन्च हो सकते हैं इंडिया के अंदर दिसंबर से पहले Oppo की Reno सीरीज में। और अगला जो लॉन्च है वो Infinix की तरफ से हो सकता है, Infinix 08 आए या फिर Infinix 08, इन दोनों में से Infinix 08 आए ये फोन जो है ये कन्फर्म लॉन्च हो सकता है, और ऐसे कहा जा रहा है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये फोन लॉन्च हो सकता है, जो कि MediaTek के Helio G90 प्रोसेसर पे आता है, साथ ही साथ 90 हर्ट्ज वाले रिफ्रेश रेट वाला पैनल आता है इस फोन में, साथ ही साथ इस फोन में 4500 बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, और 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। और ऐसे कहा जा रहा है ये जो फोन है अंडर 15,000 लॉन्च हो सकता है,
सॉफ्टवेयर वाइज थोड़े इश्यू आते हैं इन्फिनिक्स के फ़ोन में, पर ना इन्फिनिक्स के फ़ोन की जो बाकी की स्पेसिफिकेशन है वो तो बहुत ही बढ़िया रखती है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा इन्फिनिक्स का ये जो फ़ोन है अंडर 15,000 लॉन्च होता है तो कब तक लॉन्च होता है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक में, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अब बात करते हैं सैमसंग की। सैमसंग की तरफ से 2 से 3 फ़ोन लॉन्च हो सकते हैं। उनके एम सीरीज़ में एक फ़ोन लॉन्च हो सकता है जो कि M42 या फिर M12 इस नाम से आ सकता है, जिसके अंदर हमें 7000mAh के बैटरी बैकअप का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ ए सीरीज़ में एक फ़ोन लॉन्च हो सकता है, शायद ये A42 होगा, A52 होगा या फिर ए सीरीज़ का तीसरा ही कोई फ़ोन होगा। और उनकी फ्लैगशिप सीरीज़ S21 सीरीज़, ये जो सीरीज़ है ये लॉन्च नहीं होने वाली इंडिया के अंदर, लेकिन ऐसे कहा जा रहा है कि दिसंबर एंड तक ये जो सीरीज़ है अनाउंस हो सकती है। तो देखना होगा सैमसंग की तरफ से कितने सारे फ़ोन आते हैं दिसंबर के महीने के अंदर। अब बात करते कुछ इंडियन कंपनीज़ के बारे में। माइक्रोमैक्स जो है उसने 2 फोन्स तो लॉन्च कर दिए, लेकिन अब ऐसे कहा जा रहा है माइक्रोमैक्स को देख के लावा जो है वो अपना एक फ़ोन जो है वो दिसंबर के महीने में लॉन्च कर सकता है, और शायद इस फ़ोन का नाम हो सकता है लावा BU। मतलब ये जो फ़ोन है ये स्पेसिफिकली वुमन सेंट्रिक हो सकता है फ़ोन। और भी एक फ़ोन जो है वो BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट होते हुए तो दिखाई दे रहा है, तो लावा की तरफ से भी 1 से 2 फोन जो है वो दिसंबर के महीने में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये लिस्ट कैसे लग रही है, मतलब इसमें और कोई फ़ोन ऐड होना चाहिए था या फिर नहीं, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों।